नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई राज्यों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बरसात के मौसम में डेंगू ही नहीं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर के मुताबिक डेंगू के मरीजों में हल्के और गंभीर दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। इन मरीजों का प्लेटलेट्स तेजी से कम होता है, जो खतरनाक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? डेंगू होने पर ये कम क्यों हो जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्लेटलेट्स जो है वो क्या होते हैं। दरअसल प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। हमारे ब्लड में छोटे और रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े को प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है और साथ ही क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक करने का भी काम करते हैं। यह आपके रक्त में मौजूद एक तरह के तत्व होते हैं जो द्रव और कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल यानी RBC भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटे या सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे सिर्फ टेस्ट के दौरान ही देखा जा सकता है। डेंगू के दौरान मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगता है। दरअसल डेंगू में बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का उत्पादन कम हो जाता है। डेंगू वायरस से प्रभावित रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स को नुकसान कर उन्हें खत्म करती हैं। डेंगू में एंटीबॉडीज से प्लेटलेट्स कम होने लगता है। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से मरीज के लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में हेल्प करते हैं। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो डेंगू में उल्टी या शौच के साथ खून आ सकता है, जो खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए डेंगू से पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट्स बढ़ाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। डेंगू में अगर आप प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो डॉक्टर की दवाइयों से इसमें सुधार हो सकता है। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमेगा-3, विटामिन, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर चीज़ें खाने की भी सलाह मरीजों को डॉक्टर देते हैं। डेंगू के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी, फ्रूट जूस, नारियल पानी, पपीता और पपीते के पत्ते का जूस पीने की सलाह दी जाती है। पपीते के पत्तों में कैंसर रोधी गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में भी सहायक है। ये तत्व प्लेटलेट्स काउंट सामान्य करते हैं, ब्लड क्लॉट को बेहतर बनाते हैं, लीवर को ठीक से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से डेंगू के मरीजों को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। लगातार हो रही बारिश और कई कारणों की वजह से लगातार डेंगू के जो मामले हैं देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में लगातार डॉक्टरों की ओर से लोगों को प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे में लाइव इंडिया हरपल भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही सलाह देगा कि इस वक्त आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुद का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।